Hello all, I'm Dr. Ashish Sharma from Family Dental Clinic, Guwahati. We are coming back after a short break. Chhota sa break liya tha hum logon ne. Bahut jyada thand thi to relax kar rahe the. And during winters, it is very difficult to, you know, do many things. It's time to relax a bit. So today we are going to talk about cracked tooth. दांत जो टूट जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक टूथ में क्या पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली एक दांत जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द क्राउन एंड द सेकेंड पार्ट इज नोन एज द रूट। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि क्राउन पार्ट क्या है और रूट पार्ट क्या है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। क्राउन के अंदर तीन लेयर होते हैं। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज द इनैमल, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द डेंटिन एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज द पल्प। तो जो क्राउन होते हैं उनमें वो पल्प जो कि रूट तक एक्सटेंडेड भी रहता है, बट क्राउन के पार्ट में अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इनैमल, डेंटिन एंड पल्प, ये तीन चीज़ें रहती है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी का दांत टूट जाता है, क्रैक आ जाता है किसी के दांत में, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। उसके लिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगर आपका फ्रैक्चर जो है, क्राउन का जो फ्रैक्चर है, वो सिर्फ जो टूथ का फ्रैक्चर है सिर्फ क्राउन तक है, तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर वो रूट तक एक्सटेंड हो जाता है, रूट फ्रैक्चर जिसे कहते हैं, अगर वो हो जाता है तो उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, उसे रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करके हम लोग उसमें इम्प्लांट लगा सकते हैं या ब्रिज लगा सकते हैं। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। नाउ इफ़ द फ्रैक्चर, जो दांत टूट चुका है, वो सिर्फ क्राउन तक है, मतलब आपके इनैमल तक है, द फर्स्ट लेयर ऑफ द क्राउन, तो उसे हम फिलिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट मोडलिटी इज फिलिंग। फिलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका जो कंपोजिट बोल के एक मटेरियल होता है, जिससे जो कि दांत के कलर का होता है, हमारे पास उसके अलग अलग शेड्स होते हैं। उन शेड्स का नाम A1, A2, A3, A2.5 ऐसे शेड्स होते हैं। तो उससे हम लोग मैच करते हैं और मैच करके आपके दांत के कलर को हम लोग, आपके दांत को हम लोग फिल कर देते हैं। जो क्रैक पार्ट रहता है उसको हम लोग सेम टू सेम कलर ऑफ दैट ऑफ द नेचुरल टीथ हम लोग बनाते हैं। दैट इज़ वन पार्ट। अगर आपका फ्रैक्चर जो है वो इनैमल और डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करता है, आई विल रिपीट अगेन, इनैमल एंड डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करता है, इन तब उस केस में कुछ कुछ केसेस में हम लोग उसमें सिर्फ फिलिंग करते हैं और वो ठीक हो जाता है, वो फिलिंग रह जाता है वहाँ पर। बट अगर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है, इनैमल और डेंटिन वाला इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में हमें उसमें क्राउन देना पड़ता है। क्राउन जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया, जिरकोनिया क्राउन, जो मेटलफ्री क्राउन्स होते हैं, अगर आगे का दांत फ्रैक्चर हुआ तो हम लोग 100% रिकमेंड करते हैं कि आप मेटलफ्री क्राउन्स, जिरकोनिया क्राउन्स ही लगाइए। नाउ कभी कभी किसी किसी केसेस में क्या होता है कि डेंटिन इन्वॉल्व है पर आपको सेंसिटिविटी बहुत है। पेशेंट बोलते हैं कि मैं ठंडा पीने पे या चाय पीने पे, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने पे मुझे बहुत सेंसिटिविटी हो रहा है इस टूटे हुए दांत पे, जो ब्रोकन टीथ है, देन देर आर चांसेस कि आपका पल्प भी इन्वॉल्व्ड है। तो इन दैट केस वी हैव टू डू अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड देन गिव यू अ क्राउन। उस केसेस में हमें आपको नस का इलाज, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में हमने बताया है, वो करके हमें उसमें क्राउन देना होता है। अगेन क्राउन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टूथ विच इज़ ब्रोकन। अगर पीछे के दांत है तो आप PFM क्राउन्स भी लगा सकते हैं जिसके अंदर मेटल होता है। अगर आगे के दांत है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जिरकोनिया क्राउन्स, ईमैक्स क्राउन्स जो होते हैं जिनमें अंदर मेटल नहीं होता, वैसे क्राउन्स लगाएं। नाउ द थर्ड सिनेरियो इज द टूथ विच इज़ ब्रोकन फ्रॉम द इनैमल एंड इन्वॉल्विंग द इनैमल, डेंटिन एंड पल्प, दैट मीन्स द नर्व्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट। सो इन दैट केस इट्स ए श्योर शॉर्ट केस दैट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा करके ही क्राउन लगाया जाएगा। तो मैं आपको एकदम ब्रीफ कर देता हूँ जो चीज़ मैंने अभी बताई है। अगर इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग ओनली द इनैमल, वी कैन डू रेस्टोरेशन। इफ इट इज़ इन्वॉल्विंग द इनैमल एंड द डेंटिन, देन वी कैन डू रेस्टोरेशन और एट टाइम्स क्राउन। एंड इफ इट इज़ इन्वॉल्विंग द पल्प, दैट इज़ द इनैमल, डेंटिन एंड द पल्प, वो क्रैक जो है वो पल्प तक जा रहा है, तो हमें उस केसेस में RCT करके उसमें क्राउन देना पड़ता है। अगर क्राउन फ्रैक्चर है, सिर्फ क्राउन फ्रैक्चर है, अच्छा पोर्शन ऑफ द क्राउन अवेलेबल है, सपोजिटली 30% ऑफ द क्राउन भी है एंटीरियर्स में, आगे के दांतों में, तो हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बट अगर रूट फ्रैक्चर है, क्राउन के साथ रूट में भी फ्रैक्चर हो गया, रूट भी फ्रैक्चर हो गया, दैट मीन्स उस दांत को हम लोग सेव नहीं कर सकते। आगे की वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि क्राउन फ्रैक्चर होते कब हैं, किस किस केसेस में होते हैं। थैंक यू सो मच।
Please do like and subscribe our channel. There are more interesting videos and shorts coming up for you. Thank you so much.